हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। इस वीडियो में अपन समझने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th अलजेब्रा का टॉपिक नंबर 1 का जो प्रैक्टिस सेट 1.3 है उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन इस वीडियो में लेने वाले हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, जो प्रैक्टिस सेट 1.3 है उसमें टोटल दो कंसेप्ट है। उसमें का जो पहला कंसेप्ट है वो कंसेप्ट का नाम है डिटर्मिनेंट्स, और जो दूसरा कंसेप्ट है वो कंसेप्ट का नाम है क्रेमर्स रूल। तो मैं आपको अभी बता रहा हूं कि क्रेमर्स रूल के फॉर्मूले क्या होते हैं और डिटर्मिनेंट्स ढूंढने का फॉर्मूला कौन सा है। तो वन बाय वन आप लोगों को मैंने दोनों कंसेप्ट के फॉर्मूले में यहाँ पे आपको समझा के देता हूं। सबसे पहला आप जानेंगे कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट्स। तो सबसे पहला मैं आपको बता रहा हूं कि ये आप कौन से प्रैक्टिस सेट के लिए फॉर्मूले देख रहे हैं, प्रैक्टिस सेट 1.3, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट्स। सो डिटर्मिनेंट का मतलब तो दर्शक होता है भाई, कोई भी एक ऐसा आदमी जो आपके सामने खड़ा है, जिसने ये पिंक कलर का कोट पहना हुआ है, जिसके हाथ में ये ब्लैक कलर का मार्कर है। तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूं, ये पिंक कलर का जो मेरा कोट है और ये जो ब्लैक कलर का मेरा मार्कर है, ये मेरे डिटर्मिनेंट है, मतलब ये मेरे दर्शक है। इससे आपको पता चलता है कि मैं खुद के बारे में बोल रहा हूं। तो वैसे मैथ्स में एक डिटर्मिनेंट है जो अपने को ये वीडियो में जानना है, वो मैं डिटर्मिनेंट का जो फॉर्मूला है मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे सबसे पहला मान लो कि बाबा यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। तो डिटर्मिनेंट कैसे ढूंढना है देखो। तो सबसे पहले आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ए का मल्टीप्लाई होगा डी के साथ, फिर ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे माइनस लिखना है। दूसरे बॉक्स में आपको सी का मल्टीप्लाई करना है डी के साथ, ए का डी के साथ और सी का बी के साथ। आई एम सॉरी, मैं यहाँ पे डी लिखा है, आपको पता चला है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, सी का मल्टीप्लाई बी के साथ। तो अभी आप इसका मल्टीप्लाई कर रहा है, ए इंटू डी करेगा तो ए डी हो जाएगा, और यहाँ पे साइन दिया है माइनस, सी इंटू बी करेगा तो यहाँ पे सी बी हो जाएगा। ये शॉर्टकट में बात करूं, मान लो इसका वैल्यू अगर 10 है और इसका वैल्यू 5 आया, तो इजीली 10 में से 5 जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 5। तो ये हो गया अपना डिटर्मिनेंट ढूंढने का पैटर्न। उसके बाद में मैं आपको बताता हूं अभी फॉर्मूले किसके, क्रेमर्स रूल के। सो फिलहाल मैं इसको क्लीन करा देता हूं, अभी मैं ऊपर मेंशन करा रहा हूं अपना क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल, तो क्रेमर नाम का एक इंसान होके गया है, क्रेमर ने लाए हुए फॉर्मूले को या लॉज को या रूल्स को क्रेमर्स रूल के नाम से जाना जाता है। तो मैं यहाँ पे दो इक्वेशन लिख रहा हूं, जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 10, और इधर लिख रहा हूं 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 5। सो सबसे पहला आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है, इसको इक्वेशन 1 बोलना है, इसको इक्वेशन 2 बोलना है। उसके बाद में आपको वैल्यू लिखने का है, a1 इक्वल्स टू, b1 इक्वल्स टू, c1 इक्वल्स टू। फिर यहाँ पे वैल्यू लिखना है a2 इक्वल्स टू, b2 इक्वल्स टू और c2 इक्वल्स टू। बोलो यहाँ पे 1 है मतलब इसके वैल्यू इक्वेशन 1 से मिलेंगे। बोलो a1 का वैल्यू होगा 2, b1 का वैल्यू होगा 3 और c1 का वैल्यू होगा 10। a2 का वैल्यू होगा 3, b2 का वैल्यू होगा 5 और c2 का वैल्यू होगा 5। मान लो यहाँ पे -5 होता तो यहाँ पे लिखते -5। शॉर्टकट है इसका, आप लोगों के पास एक कोड में बना के दे रहा हूं एक क्रेमर्स रूल के फॉर्मूले याद करने का। यहाँ पे कोड लिखने का 1, यहाँ पे लिखने का 2, यहाँ पे लिखने का 3। सबसे पहला क्रेमर बोलता है कि आपको डी ढूंढना है, डी। तो बाबा डी कैसा ढूंढेंगे, तो डी का कोड है 12, डी का कोड है 12, मतलब 1 और 2 वाले वैल्यूज लिखने का, 1 और 2 वाले। तो 1 वाला ये है, 2 वाला ये है, तो 1 वाला फॉर्मूला आ जाएगा a1 a2 और 2 वाला आएगा b1 b2। फिर आपको आगे इसके वैल्यू पुट अप करने हैं, जैसे कि a1 a2 कितना है 2 और 3, b1 b2 कितना है 3 और 5,
और उसको आगे आपको सॉल्व करने का है जैसा मैंने आपको डिटरमिनेंट के अंदर बताया। अभी आप लोगों को फॉर्मूला लिखने का है डीएक्स का। डीएक्स का कोड है 32। 32 का मतलब क्या होता है? तीन नंबर वाला और दो नंबर वाला। तीन नंबर वाला क्या है? C1, C2। दो नंबर वाला है B1, B2। अभी आप लोगों को इसके वैल्यू लिखने हैं। C1, C2 कितना है रे? 10 और 5। और B1, B2 कितना है? 3 और 5। वापस इसको अपने को सॉल्व करने का है जस्ट लाइक डिटरमिनेंट्स। अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूं अगला कंसेप्ट, दैट इज DY, क्रेमर का तीसरा रूल। इसका जो कोड है दैट इज 13। 13 मतलब 1 और 3। 1 क्या है बोलो? A1, A2 और 3 वाला C1, C2। तो अभी आप लोगों को यहाँ पे A1, A2 का वैल्यू लिखने का है 2 और 3 और C1, C2 का वैल्यू लिखने का है 10 और 5। इसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे जस्ट लाइक डिटरमिनेंट्स। तो अभी आप लोगों को यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा D का, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा DX का पूरा सॉल्व करने के बाद, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा DY का। और फिर जाके आप लोगों को यहाँ पे लिखने का है किसका वैल्यू? x। फिर फॉर्मूला आएगा dx अपॉन d। तो dx का वैल्यू मान लो, ये सॉल्व करके मान लो ये 50 आया है, ये 25 आया है, मान लो ये आ गया है 75 मान लो। तो मान लो बाबा dx का वैल्यू इधर लिखेंगे 50, फिर d लिखेंगे 25 और फिर आंसर आएगा 25 2। तो ये हो गया x इक्वल्स टू कितना आ गया 2। सेम अभी y के लिए फॉर्मूला होगा dy अपॉन d। तो dy ये मैंने मन से निकाले हुए वैल्यू है, ये नहीं है, अगर सॉल्व करेंगे तो अलग आ जाएगा। और d का वैल्यू कितना है? 25। तो 25 3 जा, सो y इक्वल्स टू कितना आया? 3। और फिर यहाँ पे लास्ट में लिखने का अपने को, दैट इज सॉल्यूशन इज x, y इक्वल्स टू 2, 3। और फिर जाके क्रेमर रूल का कंसेप्ट क्या होता है? खत्म होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको कि क्रेमर रूल जो है उसका शॉर्टकट कोड है, जहां पे आपको पिन कोड के रूप में याद करने का है। देखो क्रेमर रूल, दैट इज कोड इज व्हाट? पिन कोड 12, 32, 13, ये आपका पिन कोड है। जैसे कि डी के लिए 12 है, डीएक्स के लिए 32 है और डीवाई के लिए 13 है। तो इससे आप क्रेमर रूल अच्छे से पता कर सकते हो। 1 मतलब A1 A2, 2 मतलब B1 B2, 3 मतलब C1 C2। तो ये आपके फॉर्मूले, इसके मदद से अभी आप उन आगे के सम सॉल्व करेंगे, ठीक है? यस। सो अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्रैक्टिस सेट 1.3। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 1 पहला सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पे अपने को बॉक्स फिलअप करने हैं, उन्होंने ऑलरेडी कुछ बॉक्स का वैल्यू निकाल के दिया है और अपने को कुछ वैल्यू लिखना है। सो 3/4, 3/4 मतलब 3 और 4 वैल्यू है, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या लिखा है? 5, ठीक है? सो उसके बाद में उन्होंने 3 दे दिया है और अपने को अगला बॉक्स फिलअप करना है। उसके बाद में माइनस, उन्होंने और एक बॉक्स एम्प्टी दिया है, फिर इनटू 4 लिखा है इक्वल्स टू, उन्होंने एक बॉक्स एम्प्टी दिया है, फिर माइनस करके दूसरे इसमें कुछ 8 लिखा है और फिर अपने को अगला बॉक्स फिलअप करना है। डे चल देख लो, अपन ने डिटरमिनेंट्स के फॉर्मूला में मैंने आपको सिखाया है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये तो 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? 5 के साथ। उसके बाद में 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? 2 के साथ। देख रहे हो, 5 3 जा कितना आ जाएगा यहाँ पे? 15। 4 2 जा उन्होंने ऑलरेडी लाके रखा है, तो बोलो 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे? 7। तो ये आंसर अपने को मिल गया। अभी मैं तुरंत चालू कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को डिटरमिनेंट्स फाइंड करने, डिटरमिनेंट्स ढूंढने, डिटरमिनेंट्स ढूंढने अपने को, ठीक है? चलो डिटरमिनेंट्स का वैल्यू तय करते हैं। सेम पैटर्न, ऊपर जैसा किया वही डिटरमिनेंट्स वैसे ही तय करने। तो डिटरमिनेंट्स का पहला सम, दैट इज -1, 2, 7 और 4 बोलो। सेम करना है अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई इसका और इसका,
बोलो माइनस वन इंटू फोर, और यहाँ पे क्या लिखना है माइनस सेवन इंटू फोर ना, सेवन इंटू टू, तो यहाँ पे लिखेंगे सेवन इंटू टू, ठीक है। अभी क्या करते हैं, अभी इसको अपन सॉल्व करते हैं, देखो कैसा। बोलो माइनस प्लस माइनस, सो फोर वन जा फोर, सो माइनस फोर आ जाएगा, इधर ऑलरेडी माइनस है, सेवन टू जा फोर्टीन। अभी बता दो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस करेंगे तो तुम्हारा आंसर 14 और 4 कितना हो जाएगा 18। अभी आंसर को बड़े नंबर का वैल्यू देंगे, बड़ा नंबर कितना है 14, 14 का साइन क्या है माइनस, ठीक है। एकदम इजीएस्ट तरीके से ये भी सम किया अपन ने, तो देख लेते हैं अपन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम पैटर्न, क्रॉस मल्टीप्लाई करते रहने का है। देखो आगे दिया है पांच और माइनस सेवन, यहाँ पे दिया है पांच माइनस सेवन, और दिया है थ्री और जीरो। चलो वापस वही करने का है, क्रॉस मल्टीप्लाई, थ्री का मल्टीप्लाई सॉरी फाइव का मल्टीप्लाई जीरो के साथ, दूसरे बॉक्स में थ्री का मल्टीप्लाई किसके साथ माइनस सेवन के साथ, ठीक है। अभी क्या करेंगे देखो, फाइव इंटू जीरो करेंगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा फाइव जीरो जा जीरो, इधर साइन माइनस है, ये माइनस लिखा, देखो ये वाला माइनस लिखा, अभी मैं ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूं। बोलो प्लस माइनस माइनस, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, अभी ये सॉल्व करना है, तो अभी मैं ये साइन सॉल्व करूंगा। इधर पहला जीरो लिखा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस ट्वेंटी वन, सो ट्वेंटी वन और जीरो कितना आ जाएगा ट्वेंटी वन, तो फाइनली अपने को ये भी आंसर क्या हो गया मिल गया, ठीक है। अभी थर्ड वाला सॉल्व कर रहा हूं। बोलो थर्ड वाला दिया है उन्होंने कुछ, ये थोड़ा अलग दिया है, देखो थोड़ा सा अच्छा समय, सेवन अपॉन थ्री, उसके बाद में दिया है थ्री अपॉन टू, फिर फाइव अपॉन थ्री, और फिर दिया है वन अपॉन टू। ओके कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, थोड़े से अलग नंबर दिए, मतलब क्या पैटर्न रॉन्ग नहीं होगा, वो पैटर्न सेम ही रहेगा क्या, इसका और इसका इसका मल्टीप्लाई और ये इसका मल्टीप्लाई। बोलो कितना है, सेवन अपॉन थ्री इंटू वन अपॉन टू माइनस दूसरे ब्रैकेट में फाइव अपॉन थ्री इंटू ये वाले इसका थ्री अपॉन टू। देखो कैसा ये सॉल्व होता है, बोलो डायरेक्ट ऊपर ऊपर वाले का नीचे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ, सेवन वन जा सेवन और थ्री टू जा सिक्स, फाइव थ्री जा फिफ्टीन और थ्री टू जा सिक्स। अभी आप देख सकते हो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सेम है तो एक ही बार लिख देने का, और इसका साइन प्लस है और इसका साइन माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो पंद्रह में से सात जाएगा तो आठ बचेगा, पंद्रह नंबर बड़ा है उसका साइन क्या है माइनस। अभी आप देखने जाओगे तो ये दोनों नंबर दो के टेबल में आते, तो दो के टेबल में आएगा तो टू थ्री जा सिक्स एंड टू फोर जा एट, और इधर का साइन माइनस, तो ये अपने को लास्ट में क्या मिलता है आंसर मिल गया है, ठीक है। यस तो यहाँ पे अपने तुम्हारे क्वेश्चन नंबर कौन सा वन और टू सॉल्व हो गया। अभी अपन चालू कर देते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर थ्री, जहां पे अपने को क्या सॉल्व करने का है क्रेमर्स रूल, ठीक है। तो अभी अपन देखते हैं क्रेमर्स रूल के इक्वेशंस, ये तो आपको मालूम पड़ा रहेगा, जो टोटली किसके ऊपर बेस था, डिटर्मिनेंट्स के ऊपर। मैंने आपको शुरू में बोला है कि ये जो प्रैक्टिस सेट है वो चार मार्क के लिए आने वाला है, जिसमें का डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू ढूंढना एक मार्क के लिए होगा, और क्रेमर्स का जो सम सॉल्व करने के लिए आएगा वो तीन मार्क के लिए आएगा। तो अभी आपको डिटर्मिनेंट्स मालूम पड़ा, अभी मैं चालू कर देता हूँ कौन सा क्रेमर्स, ठीक है। फिलहाल इसको अपन रब करते दे। ओके सो लेट मी स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर कौन सा थ्री। चलो थ्री एक्स माइनस फोर वाई, पहला थ्री एक्स माइनस फोर वाई इक्वल्स टू, दिया है उन्होंने टेन, और फोर एक्स, फोर एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे दिया है फाइव। एज यूजुअल जैसा मैंने आपको समझाया कि इसका फॉर्मूला मैंने पहले आपको वीडियो के शुरुआत में एक्सप्लेन किया है, अभी मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखने वाला नहीं हूँ, अभी आप उन डायरेक्टली सॉल्व करने वाले, लेकिन एग्जाम में आपको फॉर्मूला लिखना है, तो मैं क्या कर देता हूँ, खाली ये वाले सम का पूरा फॉर्मूला के साथ सॉल्व करता हूँ, और बाकी आगे के जो सम से वो अपन विदाउट फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, लेकिन जैसा मैं इसको सॉल्व करेगा वही पैटर्न से आपको बाकी के भी सम क्या करने हैं सॉल्व करने, ठीक है।
सो फिलहाल ऐसा आने के बाद क्या करना है आपको, इसको पहला इक्वेशन वन बोलना है और इसको इक्वेशन क्या बोलना है, टू, ठीक है। तो बाद में आप लोगों को वैल्यू लिखने है, किसके वैल्यू लिखने है, देखो पहला आप लोगों को वैल्यू लिखने का है, ए वन का वैल्यू, बी वन का वैल्यू और सी वन का वैल्यू। उसके बाद में वैल्यू लिखने का है ए टू का वैल्यू, बी टू का वैल्यू और सी टू का वैल्यू। मैंने पहले ही बताया ए वन ए बी वन सी वन इक्वेशन वन से मिलेगा, ए टू बी टू सी टू इक्वेशन टू से मिलेगा। चलो इसका ए वन का वैल्यू कितना होगा, थ्री, बी वन का वैल्यू कितना होगा, माइनस फोर, सी वन का वैल्यू कितना होगा, टेन, ए टू का वैल्यू कितना होगा, फोर, बी टू का वैल्यू कितना होगा, थ्री, सी टू का वैल्यू कितना होगा, फाइव, ठीक है। वो ऊपर इक्वेशन से उठा के लिखा है। अभी आप लोगों को फॉर्मूला अप्लाई करने का है, किसका, क्रेमर्स का, बाय इधर लिखने का, बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल, ठीक है। चलो अभी क्रेमर्स रूल का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहला क्या ढूंढना है, डी। मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला बोला है, डी का फॉर्मूला क्या है, दैट इज 12। 12 मतलब क्या, ये वाला पहला वाला दूसरा वाला, तो पहला वाला क्या है, दैट इज ए वन ए टू और इधर बी वन बी टू। इधर मैं इसका भी लिख देता हूं, दैट इज डी एक्स। बोलो डी एक्स का फॉर्मूला क्या है, 12 उसके बाद में 32, 32 मतलब क्या, 3 और 2, तो बोलो 3 और 2 का वैल्यू फॉर्मूला क्या है, सी वन सी टू, ये 3 हो गया और 2 नंबर वाला बी वन बी टू, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी वाई का, बोलो डी वाई का फॉर्मूला क्या है, 13, 13 मतलब फर्स्ट आनी थर्ड, फर्स्ट आनी थर्ड, तो फर्स्ट का क्या है ए वन ए टू और इसका सी वन सी टू, ठीक है। अभी क्या करना है देखो, अभी सिंपल सी बात, खाली वैल्यू पुटअप करना है, देख लो। तो यहाँ पे ए वन ए टू तुम्हारा 3 और 4 है, बी वन बी टू माइनस 4 और 3 है, चलो इसका लिख देता है, सी वन सी टू तुम्हारा 10 और 5 है और बी वन बी टू माइनस 4 और 3 है, चलो सी वन सी अपना ए वन ए टू दैट इज 3 और कौन सा है 4 है और सी वन सी टू कितना है 10 और क्या है 5, बस। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, देखो तीनों एक साथ सॉल्व कर रहे, बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसा, 3 इंटू 3 ब्रैकेट क्लोज माइनस नया ब्रैकेट माइनस 4 इंटू 4, चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं अपन, बोलो 3 3 जा कितना होएगा 9, ये माइनस ऐसा ही रखा, फिर ब्रैकेट बनाने का, बोलो माइनस प्लस माइनस 4 4 जा 16, चलो आगे सॉल्व कर रहा हूं, ये 9 ऐसा ही लिखा, माइनस माइनस प्लस 16, बोलो 16 और 9 कितना हो जाता है 25, ठीक है। तो ये मिल गया आपने को, किसका वैल्यू मिल गया है खाली अभी, ये डी का। अभी आपने को किसका वैल्यू ढूंढने का है, डी एक्स का, सेम पैटर्न, बोलो क्या करूं, पहला 10 इंटू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस, अभी ये माइनस 4 इंटू 5, देखो कैसा सॉल्व कर रहा हूं, 10 इंटू 3 30, इधर का फॉर्मूला का माइनस, अभी इसको सॉल्व करके आएगा 4 5 जा 20 साइन माइनस प्लस माइनस, अभी सॉल्व कर रहे देखो, इधर का 30 माइनस माइनस प्लस 20, तो आंसर आ जाएगा 50, ठीक है। तो बोलो आगे इसका, बोलो ये कैसा करेंगे, 3 इंटू 5 फिर माइनस कितना 10 इंटू 4, सो बोलो 5 3 जा 15, इधर ज्यादा साइन का कंसेप्ट नहीं है और 10 4 जा कितना हो जाता है 40, और अभी आप देख रहे हो 15 में से 40 नहीं जाएगा, तो 40 में से 15 जाएगा, तो आंसर आएगा 25, बड़ा नंबर 40 है, तो 40 का कौन सा साइन है माइनस, तो इधर दे दिया माइनस। यहाँ पे खत्म होता है क्या, अभी अपने को लास्ट में जो मेन आंसर है वो ढूंढने का है, क्या चीज, पहला ढूंढने का है अपने को एक्स, दैट इज डी एक्स अपॉन डी, बोलो डी एक्स का वैल्यू फॉर्मूला, डी एक्स का वैल्यू 50, तो इधर लिखा मैंने 50 और d का वैल्यू आ गया अपना 25, सो 25 टू जा 50, तो यहाँ पे अपने को पहला आंसर मिल गया, दैट इज x का वैल्यू कितना आ गया 2। अभी मैं बाजू में लिख लेता हूं y का वैल्यू, दैट इज dy अपॉन कह रहे d, बोलो dy का कितना है माइनस 25 और d का वैल्यू, बोलो अभी अपन ने dy का वैल्यू ढूंढा है माइनस 25 एंड डी का वैल्यू आ गया है अपना कितना 25, सो 25 से 25 को कट करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, लेकिन ये साइन इधर देना पड़ेगा,
तो इस तरह से अपने को वाई का वैल्यू मिल गया, दैट इज माइनस वन। लास्ट में लिखना पड़ता है, दैट इज सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अपने को सॉल्यूशन मिल गया एक्स कॉमा वाई, तो एक्स का आंसर आ गया टू, वाई का आ गया माइनस वन। तो ये हो गया अपना फर्स्ट सम अबाउट क्रेमर्स रूल। आप लोगों को प्रॉपरली मालूम पड़ा रहेगा अपना बेसिक स्टेप से। सबसे पहला इक्वेशन वन में से ए वन बी वन सी वन ढूंढना है, इक्वेशन टू में से ए टू बी टू सी टू ढूंढना है, फिर अपने को डी ढूंढने का है जिसका कोड 12 है, फिर ढूंढने का है डी एक्स उसका कोड अपना 32 है, और उसके बाद में डी वाई उसका कोड अपना कौन सा है, दैट इज 13। उसके बाद में अपना फॉर्मूला एक्स का डी एक्स अपॉन डी, फिर y का dy अपॉन d, एंड देन आपको फाइनली आपके दोनों वेरिएबल्स x और y मिल जाते हैं। ठीक है, सो लेट मी क्लियर दिस सम एंड देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड, तो वो इक्वेशन है दैट इज 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। आपको मैंने जब 1.1 सिखाना चालू किया तभी मैंने बताया था कि इसके आगे का नंबर भी जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये इक्वेशन का फॉर्मेट सही नहीं है। ये जो माइनस फोर है वो उधर जाके प्लस होगा। सो 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 0 प्लस 4, सो 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 4, एंड दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से अपने को a1 b1 और c1 लेना है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा इक्वेशन उन्होंने दिया है 6x इक्वल्स टू 8 माइनस 5y। तो ये भी फॉर्मेट अलग है, मतलब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वल्स टू के ये बाजू में x और y वेरिएबल्स होनी चाहिए। तो ये जो माइनस 5y इक्वल्स टू के उस साइड है उसको इधर लेके आते हैं। तो इधर 6x है, ये माइनस का इधर हो जाएगा प्लस 5y। तो अभी उधर खाली क्या बचेगा 8, तो ये बन जाएगा तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अभी मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं, मैं पहला ढूंढ रहा हूं डी, डायरेक्टली इक्वेशन 1 और 2 में से वैल्यू उठा रहा हूं। अभी डी के लिए आपको पता है पहले ये वाले वैल्यू लेने पड़ेंगे 4 और 6, तो यहाँ पे लिखा 4 यहाँ पे लिखा 6, और फिर ये वैल्यू लेने पड़ेंगे 3 और कौन सा 5, तो इधर लिख रहा हूं मैं 3 और कौन सा 5। अभी अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 6, बोलो 5 4 जा 20 माइनस 6 3 जा 18, तो 20 में से 18 जाएगा तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पे अपने को d मिल गया। अभी क्या ढूंढेंगे अपन dx, dx का कोड 32 है, 32 मतलब 3 लास्ट वाले वैल्यू, तो यहाँ पे 4 यहाँ पे 8 और 2 3 और इधर कितना 5, तो इधर का 3 इधर का 5। तो अभी 4 इंटू 5 माइनस दूसरे ब्रैकेट में 3 इंटू 8, तो आप देख रहे हो 4 5 जा 20 और 8 3 जा 24, तो 20 में से 24 जाएगा तो छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है तो आंसर निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, दैट इज कह रहे माइनस 4। देन अपन ढूंढ रहे दैट इज डी वाई, डी वाई का कोड 13 है, 13 मतलब पहला वाला वैल्यू और लास्ट वाला वैल्यू, पहले का 4 और 6 है और लास्ट का वैल्यू 4 और कौन सा है 8। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 4 इंटू 8 दूसरे ब्रैकेट में 4 इंटू 6, सो बोलो 8 4 जा 32 माइनस 6 4 जा 24। अभी 32 में से 24 को अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 8। चलो यहाँ पे अपने को डी भी मिल गया है, डी एक्स भी मिल गया है, डी वाई भी मिल गया है। अभी अपन ढूंढेंगे एक्स, दैट इज डी एक्स अपॉन डी, तो मेरा डी एक्स का वैल्यू आ गया है माइनस 4 और डी का वैल्यू आ गया है 2, सो 2 2 जा, सो इधर का माइनस वैल्यू, सो मेरा आंसर एक्स इक्वल्स टू आ गया माइनस 2। ठीक है, अभी ये हो गया। अभी क्या ढूंढेंगे वाई, तो इसका फॉर्मूला है दैट इज डी वाई अपॉन डी, सो बोलो मेरा डी वाई का वैल्यू है 8
और मेरा डी का वैल्यू है 2, सो 2 4 8, सो मेरा वाई का आंसर आ जाएगा 4. सो फाइनली आई गॉट द सॉल्यूशन बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल दैट इज एक्स कॉमा वाई. सो वैल्यू ऑफ एक्स इज -2 and 4, दैट इज -2 and 4. सो होप यू अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन एज वेल. वेरी सिंपल, मैंने यहाँ पे फॉर्मूले नहीं यूज किए थे, लेकिन आपको पता चले फॉर्मूले क्या है. दैट इज 12, 32 and 13, 12, 32 and 13, 12, 32 and 13. ये अपना कोड है. ये कोड के वजह से या ये कोड के मदद से आप पूरा चीज ढूंढ सकते हो. लेट मी स्टार्ट द नेक्स्ट इक्वेशन. लेट मी क्लियर दिस वन एंड लेट मी स्टार्ट द नेक्स्ट इक्वेशन. दैट इज x + 2y = -1. x + 2y = -1. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, उसके बाद में 2x - 3y = 12. सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, सो यहाँ पे इक्वेशन प्रॉपर फॉर्म में दिया है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है. डायरेक्टली अपन क्रेमर्स रूल अप्लाई कर सकते हैं. चलो मैं ढूंढना चालू कर देता हूं. सबसे पहला डी, डी के लिए आपको मैंने बताया पहला वाला वैल्यूज लेंगे, पहला और दूसरा वाला. इधर कुछ नहीं, मतलब 1 है, इधर का 2 है, इधर 2 है, इधर 3 नहीं, इधर -3 है. चलो अभी आगे 1 × क्या करेंगे, -3 - 2 × क्या करेंगे, 2. बोलो ±, सो 3 × 1 = 3 - 3. बोलो इधर माइनस है, 2 × 2 = 4, -, प्लस हो जाएगा. सो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7. और बड़े नंबर का वैल्यू देंगे माइनस. ठीक है, यस दैट इज -7. यहाँ पे 3 है, आपको पता चला है मैंने 3 × 1 = 3 किया है, प्लस माइनस माइनस हो गया. सो अभी मैं यहाँ पे ढूंढ लेता हूं मेरा dx. dx का कोड कितना है, 32. 32 मतलब लास्ट और दूसरा, लास्ट और दूसरा. दैट इज -1, 12 और 2 - 3. चलो -1 × -3 - दूसरे ब्रैकेट में 2 × 12. बोलो -, प्लस, तो आंसर प्लस में लिखना है. 3 × 1 = 3 माइनस, 12 × 2 = 24. सो बोलो ±, 24 में से 3 जाएगा तो अपना आंसर आएगा 21, लेकिन साइन बड़े नंबर का देना पड़ेगा, दैट इज -21. ठीक है, अभी आप ढूंढेंगे दैट इज dy. dy का फॉर्मूला 13 है. 13 मतलब पहला और लास्ट. पहला नंबर क्या है, 1 और 2, लास्ट नंबर है -1 और 12. ठीक है, अभी इसका मल्टीप्लाई करा देते. बोलो 1 × कितना, 12, माइनस -1 × 2. बोलो 12 × 1 = 12, इधर का साइन क्या है, माइनस, दूसरा ब्रैकेट 2 × 1 = 2, -2. आगे सॉल्व करेंगे, 12 माइनस माइनस प्लस कितना है, 2. सो 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14. सो आगे बढ़ रहे, अभी अपने को क्या ढूंढना है, x. यू नो द फॉर्मूला फॉर x, दैट इज dx/d. सो माय dx इज अ -21 एंड d इज अ -7. सो ये माइनस माइनस कट हो जाएगा. सो आगे बचेगा 22/7. 7 के डबल से 21 को कटेंगे तो 7 × 3 = 3. सो माय आंसर विल बी 3. सो माय आंसर x = कितना आएगा, 3. सो द नेक्स्ट वन, द फॉर्मूला फॉर y, दैट इज dy/d. The value of dy is 14 and the d is -7. So 7 × 2 = 14. So -2, क्योंकि ये माइनस है, -2 आ जाएगा. So my answer y = -2. So finally I got the solution again here. So solution that is x, y. So my x का value आ गया 3 and y का value आ गया -2. यहाँ पे कॉमा है. So this is our answer. ठीक है, so hope you understand this sum as well. Again I tell you, I don't write here the formula, but you have to write the formula.
विदाउट राइटिंग द फॉर्मूला यू विल नॉट गेट आउट ऑफ मार्क्स. ठीक है, फॉर गेटिंग फुल मार्क्स यू हैव टू राइट द फॉर्मूला. यू हैव टू मेंशन हियर द वैल्यू ऑफ ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू एंड देन यू हैव टू मेंशन द फॉर्मूला फॉर डी डी एक्स एंड डी वाई देन अगेन द फॉर्मूला फॉर एक्स एंड देन वाई एंड देन द फाइनली यू हैव टू राइट लाइक दिस दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ कैरे वाई. ठीक है, सो लेट मी क्लियर दिस वन अगेन एंड लेट मी स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. So we are on question number 3 and question equation number 4. Okay. So the next one is 6x minus 4y equals to minus 12 and then 8x minus 3y equals to minus 2. सो अगेन लेट मी स्टार्ट द फॉर्मूला फॉर डी. आपको पता है फॉर्मूला फॉर डी दैट इज 12 6 8 माइनस 4 माइनस 3. सो लेट मी डू हियर क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू माइनस 3 माइनस माइनस 4 इंटू 8. ठीक है, अभी आप इसको सॉल्व करते हैं. देखो प्लस माइनस माइनस 6 थ्री जा 18, इधर माइनस है अगले ब्रैकेट में माइनस प्लस माइनस 8 फोर जा 32. अभी सॉल्व कर रहा हूं माइनस 18 माइनस माइनस प्लस 32. अभी देख लो ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है. अगर मैं 32 में से 18 को माइनस करूं तो माय आंसर विल बी 14. आंसर विल बी 14. बड़ा नंबर 32 है, उसका साइन दे दिया. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम dx नाउ. द dx का फॉर्मूला कौन सा आता है? 32. 32 दैट इज 3 एंड 2. सो माइनस 12 माइनस 2 माइनस 4 एंड माइनस 3. सो द क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 12 इंटू माइनस 3 माइनस नेक्स्ट ब्रैकेट में माइनस 4 इंटू माइनस 2. चलो आगे बढ़ेंगे. बोलो आगे बढ़ रहे हो. यहाँ पे अभी 12 इंटू 3 12 थ्री जा 36 12 थ्री जा 36 माइनस माइनस प्लस भी यहाँ पे माइनस ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 टू जा 8. तो अभी 36 में से 8 जाएगा तो योर आंसर विल बी 28. अभी मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ दैट इज डी वाई. सो फॉर्मूला फॉर डी वाई दैट इज 13 वन आनी थ्री वन आनी थ्री वन आनी थ्री वन इज 6 एंड 8 थ्री इज माइनस 12 एंड माइनस 2. सो यहाँ पे आएगा 6 इंटू माइनस 2 माइनस इधर आएगा माइनस 12 इंटू कितना हो जाएगा 8. तो बोलो अभी इसका अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 टू जा 12 लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है फिर यहाँ पे माइनस फॉर्मूला वाला फिर इधर का अलग से माइनस 12 8 जा 96 इधर का साइन माइनस इक्वल्स टू बोलो माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 96. अभी ये सॉल्व करना है तो अभी आप देख सकते हो 96 में से 12 को माइनस करना है क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है तो 96 में से 12 जाएगा तो बचेगा 84. देख रहे हो 6 में से 2 जाएगा 4 9 में से 1 जाएगा 8. अभी मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूं x x equals to dx upon d. So the dx का वैल्यू 28 अपॉन d का वैल्यू 14. सो 14 टू जा 28. सो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2. सो अगेन मैं यहाँ पे लिख रहा हूं y y का वैल्यू dy अपॉन d. बोलो dy का वैल्यू कितना आया है 84 एंड d का वैल्यू कितना आ गया है 14. सो 14 6 84. सो मेरा y का आंसर कितना आ गया 6. सो फाइनली एट द एंड आई हैव टू राइट सॉल्यूशन फॉर x एंड y. सो आई गॉट द वैल्यू ऑफ x दैट इज 2 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 6. सो आई गॉट द Finally, I got the solution. Okay, yes. So, hope you understand this equation as well. Right, Varta? Yes. Kuch bhi problem aata hai, toh you can comment on the video. I will explain that thing in next video, no problem. Okay, yes.
वी फिनिश नियर अबाउट 4 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 ओनली 2 मोर रिमेनिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट क्वेश्चंस टू यू एज वेल ठीक है कुछ भी प्रॉब्लम है इसमें तो ये क्लियर करा देते हैं फिर अभी अपन अगला क्वेश्चन चालू करा देते हैं लेट मी क्लियर दिस चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज इक्वेशन नंबर 5 4m प्लस 6n 4m प्लस 6n इक्वल्स टू 54 देन 3m प्लस 2n इक्वल्स टू माय डियर 28 ठीक है यस अभी यहाँ पे भी अपने को पहला क्या ढूंढना पड़ेगा d इक्वेशन प्रॉपर फॉर्मेट में है पहला d ढूंढते d के लिए भी आपको पता है पहला अपने को सॉरी ये वाले जो वैल्यूज है वो अप्लाई करना पड़ेगा 12 वाला सो 12 मतलब फर्स्ट और सेकेंड दैट इज 4 एंड 3 6 एंड 2 सो 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3 अभी आपको पैटर्न मालूम पड़ा है 4 टू जा 8 6 3 जा 18 अभी 8 में से 18 तो नहीं जाता तो 18 में से 8 जाएगा तो 10 बचेगा 18 का साइन देना पड़ेगा सो माइनस 10 बोलो अभी क्या ढूंढेंगे dx dx का फॉर्मूला दैट इज 32 मतलब 3 एंड 2 दैट इज 54 एंड कितना 28 और यहाँ पे 6 और कितना है 2 चलो क्रॉस मल्टीप्लाई 54 इंटू 2 राइट है दूसरे ब्रैकेट में 6 इंटू 28 चलो अभी इसका मल्टीप्लाई करेंगे 54 टू जा करेंगे तो 108 आएगा माइनस 28 6 जा तो बोलो 6 8 जा 48 कितना कैरी करेंगे 4 6 2 जा 12 12 प्लस 4 16 तो 108 में से 168 तो माइनस नहीं होता तो 168 में से 108 जाएगा तो 60 बचेगा साइन बड़े नंबर वाला सो अपना dx भी मिल गया अभी क्या ढूंढेंगे dy सो फॉर्मूला फॉर dy दैट इज 13 1 एंड 3 दैट इज 4 3 इधर 54 एंड 28 चलो क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू 28 माइनस 54 इंटू 3 चलो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 8 जा 32 कैरी कितना करेंगे 3 एंड 4 3 जा 12 12 प्लस 3 15 चलो देखो 4 8 4 जा 32 3 4 2 जा 8 8 प्लस 3 I'm sorry, 8 प्लस 3 करेंगे तो 11 होगा इसका मल्टीप्लाई रॉन्ग हो गया है बोलो 4 8 जा 32 कैरी 3 4 2 जा 8 8 प्लस 3 11 112 आता है 54 3 जा बोलो 4 3 जा 12 कैरी 1 और 5 3 जा 15 प्लस 1 16 सही है बोलो अभी माइनस करते 2 में से 2 जाएगा 0 6 में से 1 जाएगा 5 1 में से 1 जाएगा 0 बड़ा नंबर का साइन दिया सो माइनस 50 आया अभी अपन यहाँ पे ढूंढेंगे आई एम सॉरी मिस्टेकली यहाँ पे मैंने क्या किया है यहाँ पे x लिखा है x और यहाँ पे y लिखा अपने सम में वेरिएबल m और n है तो इधर लिखना पड़ेगा m इधर लिखना पड़ेगा n तो अभी मैं यहाँ पे वैल्यू ढूंढ रहा हूँ m का तो क्या फॉर्मूला आएगा dm अपॉन d तो बोलो dm का वैल्यू कितना आया है माइनस 60 और d का वैल्यू कितना आया है माइनस 10 सो अभी ये माइनस माइनस कट हो जाएगा और मैं 10 से 60 को डिवाइड करेगा तो 6 आएगा 10 6 जा 60 सो m का वैल्यू कितना आ गया 6 अभी मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ एन एन का वैल्यू डी एन अपॉन डी बोलो डी एन का वैल्यू कितना है माइनस 50 एंड डी का वैल्यू कितना है माइनस 10 सो ये कट हो गया तो आगे 10 के टेबल में 50 आता है क्या यस सो तुम्हारा एन का वैल्यू कितना आ गया 5 सो वी गॉट द सॉल्यूशन सॉल्यूशन हियर दैट इज एम कॉमा एन
सो वैल्यू ऑफ एम इज 6 एंड एन का वैल्यू कितना आ गया 5. सो दिस इज अवर सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशंस. ठीक है, यस, द ओनली क्वेश्चन रिमेनिंग. लेट मी स्टार्ट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 उसका सब क्वेश्चन 6 है. थोड़ा अच्छा इक्वेशन दिया है इसमें. बोलो 2x plus 3y equals to 2. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. सही है ये. एंड देन एक्स माइनस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 1/2. मैंने ऐसा एक सम आप लोगों को 1.1 में सिखाया था. मैंने जहां पे आपको समझाया था क्या कि अगर नीचे 2 है तो वो 2 को कट करने के लिए आपको पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा 2 से. अगर आप 1.1 का वीडियो देखेंगे तो आपको प्रॉपरली मालूम पड़ेगा. तो ये भी कंसेप्ट आप समझ सकते हो. तो मैं ये पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूं. तो यहां पे लिखता हूं लेट्स मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय 2. चलो x इंटू कितना करने का है 2 माइनस y अपॉन 2 इंटू कितना करने का है 2 इक्वल्स टू 1/2 इंटू कितना करने का है 2. चलो 2 इंटू x कितना आएगा 2x. इधर का 2 2 कट हो जाएगा तो माइनस y. इधर का भी 2 2 कट हो जाएगा तो क्या बचेगा 1. तो ये तुम्हारा नया इक्वेशन मिल गया, दैट इज इक्वेशन नंबर 2. अभी इसमें अपने को फिर ढूंढने का है किसका वैल्यू पहला d का वैल्यू का कोड क्या है 12 मतलब इधर का फर्स्ट इधर का सेकंड फर्स्ट. सो बोलो 2 2 2 2. इधर का 3 इधर का कुछ नहीं मतलब -1. बोलो 2 इंटू -1 माइनस इधर क्या है 3 इंटू 2. बोलो प्लस माइनस माइनस 2 1 2. इधर फॉर्मूला का माइनस 3 2 6 माइनस माइनस प्लस. तो आंसर आएगा माइनस कितना 8. बड़े नंबर का साइन दे दिया. अभी क्या ढूंढेंगे dx. बोलो dx का कोड क्या है 32 मतलब 3 वाला पहला मतलब लास्ट वाला. इधर का 2 इधर का 1 2 1 और इधर का 3 सेकेंड वाला और इधर का सेकेंड वाला -1. चलो आगे बढ़ते 2 इंटू -1 माइनस 3 इंटू 1. सो 2 1 2 -2 इधर माइनस 3 1 3. तो आंसर माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा तुम्हारा -5 आ जाएगा. ठीक है, अभी क्या ढूंढेंगे dy. बोलो dy का कोड क्या है 13 मतलब फर्स्ट दैट इज 2 2 और दैट इज 2 and 1. सो 2 into 1 माइनस 2 into 2. चलो 2 1 2 माइनस 2 2 4. बोलो 2 में से -4 जाएगा तो आंसर आएगा -2. और अब भी अपन यहां पे ढूंढने जा रहे हैं किसका वैल्यू पहले x दैट इज dx अपॉन d. सो माय dx इज -5 एंड माय d इज -8. तो माइनस माइनस कट हो जाएगा तो अपना आंसर आ जाएगा 5/8. तो x मिल गया 5/8 और कट नहीं हो सकता ये क्योंकि ये किसी के टेबल में आता नहीं है. अभी क्या ढूंढेंगे अपन y. y का वैल्यू फॉर्मूला dy अपॉन d. बोलो तुम्हारा dy कितना आ गया है -2 और d कितना आ गया है -8. सो ये माइनस माइनस कट हो जाएगा. बोलो 2 1 2 2 4 8. सो y का आंसर आ गया तुम्हारा 1/4. सो फाइनली वी गॉट सॉल्यूशन दैट इज x, y इक्वल्स टू 5/8, 1/4. सो वी कंप्लीटेड ऑल प्रैक्टिस सेट 1.3.
ऑल क्वेश्चन अपुन ने ये प्रैक्टिस सेट के ये वीडियो में एक्सप्लेन किए है। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। फिलहाल आपको अगर वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों में शेयर करो और दोस्तों में ये वीडियो के बारे में बताओ। और आप चैनल पे नए हो तो कृपया ये चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।